एस डी बर्मन ने नीरज से कहा कि गाना रंगीला रे से शुरू होना चाहिए। रंगीला रे। नीरज के इस गाने में एक आग है, जलन की, ईर्ष्या की। बाहों में तेरी क्यों औरों की बाहें। नीरज ने प्यार को जैसे परिभाषित किया है वैसा आज तक कोई और नहीं कर पाया है। कवि गीतकार नीरज का पहला गाना गाया था मोहम्मद रफी ने। वो हम न थे, वो तुम न थे। कवि नीरज के इस गाने को अपनी आवाज देकर मोहम्मद रफी ने नीरज के इस गाने को एक क्लासिक सॉन्ग बना दिया है। नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। दोस्तों, 19 जुलाई को हिंदुस्तान के प्रख्यात कवि गीतकार गोपाल दास सक्सेना यानी कि नीरज की पुण्यतिथि पड़ती है, तो आज हम बात करेंगे कवि गीतकार नीरज की। सुभाना शामना। 4 जनवरी 1925 को मेहावा इटावा उत्तर प्रदेश में जन्मे गोपाल दास नीरज का जीवन आसान नहीं था। पिता बचपन में ही गुजर गए थे। नीरज के जीवन में गरीबी थी, अभाव था, लेकिन गरीबी और मुफलिसी उन्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं पाई। उन्होंने स्कूल में अच्छी पढ़ाई की। इस दौरान उन्होंने बहुत तरह के काम किए, पान, बीड़ी, सिगरेट बेचा, रिक्शा चलाया, सिनेमा घर में काम किया, टाइपिस्ट बने, बाबूगिरी भी की। सांसों ने हथ कड़ी लगाई, याद ना आई। एमए करने के बाद आखिर में अलीगढ़ के एक कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर बने। कविताएं नीरज की ताकत थी और एक समय ऐसा आया कि कविताओं की वजह से उनका नाम चारों तरफ फैल गया। दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता, मुंबई से मुशायरों के लिए उन्हें बुलावा आने लगा। ये समय था 1955-56 का। एक मुशायरे में देवानंद और नीरज की मुलाकात हुई। देवानंद को कवि नीरज की कविताएं बेहद पसंद आई। देवानंद ने नीरज से वादा किया कि अगर वो कभी फिल्मों के लिए लिखने का मन बनाए तो उन्हें ज़रूर बताएं। देवानंद चले गए और गोपाल दास नीरज अपनी दुनिया में लौट आए। समय बीतता गया। इस बीच नीरज ने बहुत कुछ देखा। परिजनों की मौत देखी, बंगाल का भयानक अकाल देखा, विभाजन की त्रासदी देखी और फिर आज़ादी के लिए हिंदुस्तान का संघर्ष देखा। ऐसे में उन्होंने एक कविता लिखी। कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। ये कविता लोगों को खूब पसंद आई। ये कविता हर जगह सुनी सुनाई जाने लगी। 1958 में ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ से इसका प्रसारण हुआ। इसके बाद 1960 में फिल्म मेकर आर चंद्रा ने कवि नीरज की इस कविता को थीम बनाकर फिल्म नई उम्र की नई फसल बनाने का फैसला किया। इस फिल्म के लिए नीरज की 8 कविताएं ली गईं। फिल्म पर काम शुरू हुआ, लेकिन ये फिल्म आती इससे पहले ही एक दूसरे फिल्मकार चंद्रशेखर ने अपनी फिल्म च च चा के गानों के लिए नीरज को साइन कर लिया। ये फिल्म आई 1964 में। च च च में नीरज के कई गाने हैं। इन गानों को गाया है मोहम्मद रफी ने। लुटी जहां पे बेवजह पाल की बहार की, जिस दिन तेरी याद ना आई, याद ना आई। फिल्मी दुनिया में लोग जान गए कि नीरज कौन है। समय गुजरा और फिर आर चंद्रा की वो फिल्म आ गई
जिसके लिए आर चंद्रा ने 1960 में नीरज से बात की थी। ये फिल्म थी नई उम्र की नई फसल। ये फिल्म आई 1966 में। नीरज का कारवां गुजर गया वाले गाने को गाया मोहम्मद रफी ने। क्या शबाब था के फूल फूल प्यार कर उठा। नीरज ने गीत 50 के दशक में लिखा था, लेकिन फिल्मों के रास्ते दुनिया भर में लोगों तक पहुंचा उनका ये गीत गाने की शक्ल अख्तियार कर एक कालजयी गाना बन गया, यानी ऐसा गाना जिस पर समय अपने निशान नहीं छोड़ पाता है। कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। नई उम्र की नई फसल के बाद 1968 में आई फिल्म कन्यादान। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के। प्यार के एहसास को नीरज ने इस गाने में एक नया अंदाज दे दिया है। फिजा रंगी अदा रंगी ये इठलाना ये शर्माना। इसके बाद नीरज की फिल्म आई चंदा और बिजली 1969 में, और फिर आया साल 1970 और फिल्म आई प्रेम पुजारी। दोस्तों आपको याद होगा कि नीरज और देवानंद की 1955-56 में एक मुशायरे में मुलाकात हुई थी, जिसमें देवानंद ने नीरज से वादा किया था कि वो जब फिल्मों में लिखने का मन बनाए तो उन्हें ज़रूर बताएं। 1970 में आई देवानंद की फिल्म प्रेम पुजारी नीरज से किए गए देवानंद के उसी वादे की परिणति थी। हो गया नशा जो तैयार वो प्यार है। कहते हैं कि फिल्म प्रेम पुजारी के निर्माण के पहले जब नीरज देवानंद के पास पहुंचे थे तो देवानंद ने उनसे कहा था कि अगर प्रेम पुजारी के संगीतकार SD बर्मन को उनका लिखा गाना पसंद आ गया तो उन्हें गाना लिखने का मौका ज़रूर देंगे। इसके बाद देवानंद ने नीरज को 1,000 रुपये दिए और उन्हें शांता क्रूज के एक शानदार होटल में ठहराया। देवानंद ने नीरज से ये भी कहा कि अगर SD बर्मन को उनका लिखा गाना पसंद नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, अगले 6 दिन तक आप हमारे मेहमान रहेंगे। उस वक्त SD बर्मन के साथ काम करने वाले महान गीतकार शैलेंद्र की मौत हो गई थी और देवानंद और SD बर्मन की टीम को एक योग्य गीतकार की सख्त जरूरत थी। अब सब कुछ SD बर्मन पर था। अगले दिन देवानंद नीरज को साथ लेकर SD बर्मन के घर गए और नीरज से उनका परिचय करवाया। दादा ने नीरज को गाने का ट्यून सुनाया और गाने की सिचुएशन और सीन समझाई। दादा ने कहा कि प्रेमिका अपने प्रेमी को पार्टी में एक दूसरी लड़की के साथ आते देखती है, उन्हें उस प्रेमिका के लिए गाना लिखना है। SD बर्मन ने नीरज से कहा कि गाना रंगीला रे से शुरू होना चाहिए। उन्होंने नीरज से ये भी कहा कि प्रेमिका के शब्दों में ईर्ष्या, जलन, व्यंग और निराशा के भाव होने चाहिए। नीरज ने रात भर इस गाने पर काम किया। अगली सुबह नीरज देवानंद के पास पहुंचे और उन्हें रात में लिखा अपना गाना दिखाया। देवानंद गाने को पढ़कर खुश हो गए, तुरंत नीरज को लेकर SD बर्मन के पास गए। दादा ने गाना देखा और इसके बाद जो हुआ अब वो इतिहास है। लता मंगेशकर के गाए इस गाने में नीरज ने हर वो एलिमेंट्स डाला जिसके लिए SD बर्मन ने उन्हें कहा था। हलिया रे ना बुझे है किसी जल से ये जलन। इस गाने के बाद गीतकार नीरज और संगीतकार SD बर्मन की ऐसी बनी जो दादा की मौत पर ही खत्म हुई। इस फिल्म में नीरज का एक और गाना है जो प्यार को परिभाषित करता है। मोहब्बत की जैसी परिभाषा नीरज ने लिखी है वो अद्भुत है। इससे बेहतर परिभाषा आज तक किसी ने नहीं लिखी। उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब। इस गाने को नीरज के गीत चांदनी में घोला जाए को बदल कर बनाया गया है।
गाने के अंतरे को भी गाने की ट्यून के हिसाब से बदल दिया गया है। नीरज का ये गाना आज भी लोगों को प्यार का एक सबक पढ़ाता नजर आता है, जिसे दुनिया बड़े प्यार से पढ़ती है। किशोर कुमार की आवाज में किसी नौजवान की पहली मोहब्बत का सा एहसास है। '70 में ही नीरज की एक और फिल्म आई थी, मेरा नाम जोकर। ए भाई तरह देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी। ये गाना फिल्म की कहानी से तो मेल खाता ही है, इसमें जीवन का दर्शन भी है। तू जहाँ आया है वो तेरा घर नहीं, गली नहीं, गांव नहीं। 1971 में नीरज की एक फिल्म आई शर्मिली। आज मदहोश हुआ जाए मेरा मन, मेरा मन। 1971 में ही नीरज की एक और फिल्म आई गैम्बलर। थोड़ी नहीं ये मेरा दिल है, इसे गाया है किशोर कुमार ने। देखो देखो टूटे ना, थोड़ी नहीं ये मेरा। 1971 में नीरज की एक और फिल्म आई थी तेरे मेरे सपने। मैंने कसम ली, तूने कसम ली। इस गाने में किशोर कुमार का साथ दिया है लता मंगेशकर ने। इन तीनों फिल्मों में संगीत दिया है एसडी बर्मन ने। नीरज ने 60 के दशक के मध्य से 70 के दशक के शुरुआती सालों तक फिल्मी दुनिया के लिए काम किया। इसके बाद कवि नीरज ने 1973 में फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया और वो लौट आए अलीगढ़, पढ़ाई लिखाई साहित्य और अध्ययन की दुनिया में। फिर कई दशकों के बाद आखिर 19 जुलाई 2018 को उन्होंने इस दुनिया को भी अलविदा कह दिया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। सुबहानाई शाम नाई।